नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। उद्धव ठाकरे सरकार एक नई मुसीबत में फंस गई है। सुशांत की मौत को लेकर अघाड़ी सरकार की किरकिरी तो हो ही रही थी, अब पालघर लिंचिंग कांड को लेकर शिवसेना की फजीहत हो रही है। कांग्रेस और एनसीपी पर तो लोगों का भरोसा था ही नहीं। सेक्युलरिज्म के नाम पर ये लोग हिंदू साधुओं और साध्वियों पर अत्याचार को प्रोत्साहन देने का काम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुओं के विश्वास को तोड़ा है वो हैरान करने वाला है। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस और सरकार की जांच पर लोगों का भरोसा उठने लगा है। पालघर मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पालघर लिंचिंग में मारे गए दो साधुओं में से एक की मां ने महाराष्ट्र सरकार की जांच पर सवाल उठाए हैं और मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। इससे सवाल फिर उठने लगे हैं कि क्या पालघर में साधुओं की हत्या का संबंध अर्बन नक्सल से है? क्या हिंदुत्व की नफरत की आग में वामपंथियों ने षड्यंत्र के तहत साधुओं की हत्या की है? क्या पालघर हिंदुत्व के खिलाफ अर्बन नक्सलियों की नई प्रयोगशाला बन गया था? शुरू से ही इस मामले में उद्धव सरकार इस मसले पर लीपापोती क्यों कर रही है? आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र की सीआईडी की जांच के 4.5 महीने बाद साधु की मां को सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी? 16 अप्रैल को हुई पालघर साधुओं की लिंचिंग की तस्वीरें याद है आपको? कैसे आधी रात को दो साधु भीड़ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे और हत्यारी भीड़ बेरहमी से उन्हें मार रही थी। ये सब कुछ हुआ था पुलिस के सामने। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे, बल्कि उन्होंने तो साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया था कि लो इन्हें मारो, और भीड़ ने दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी। उस घटना के जो वीडियो सामने आए थे वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, जिसमें साफ तौर पर भीड़ का उन्माद, दो साधुओं और उनके ड्राइवर की बेबसी दिखाई दे रही थी। साथ में तमाशा देखने वाले पुलिस वाले भी थे। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, भीड़ के हाथ में जो आया उसी से साधुओं पर हमला किया जा रहा था। देखते ही देखते भीड़ दोनों साधु और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर देती है। जिन साधुओं की हत्या हुई थी, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। जूना अखाड़े के स्वामी कल्प वृक्ष गिरी, जिनकी उम्र 70 साल थी। जूना अखाड़े के स्वामी सुशील गिरी, जिनकी उम्र 40 साल थी। इनकी गलती बस इतनी थी कि लॉकडाउन के बीच दोनों साधु अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गाड़ी से मुंबई से सूरत जा रहे थे। इसी दौरान पालघर के कासा पुलिस स्टेशन के गढ़ चिंचली गाँव में लोगों ने साधुओं और उनके ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। खबर मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची और साधु और उनके ड्राइवर को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाया भी, लेकिन जैसे ही भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, पुलिस ने भीड़ के सामने साधुओं को एक तरह से फेंक दिया कि लो इन्हें मारो। पुलिस प्रशासन का दावा है कि पिटाई कर रहे लोगों से अपील की गई, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस भीड़ ने साधुओं पर हमला किया क्यों था? महाराष्ट्र पुलिस की माने तो भीड़ को शक था कि गाड़ी में सवार 3 व्यक्ति बच्चा चोर हो सकते हैं। बस इसी अफवाह ने भीड़ में सोए शैतान को जगा दिया और सब ने मिलकर लाठी डंडों से तीनों बेगुनाह व्यक्तियों की जान ले ली। लेकिन क्या साधुओं की हत्या का सच यही है? क्यों संत समाज इस मामले में वामपंथियों नक्सलियों का हाथ होने की बात कर रहा है? क्यों उन्हें महाराष्ट्र सरकार की सीआईडी जांच पर यकीन नहीं है? दरअसल पालघर को महाराष्ट्र का अर्बन नक्सल इलाका माना जाता है। यहाँ ईसाई मिशनरीज का जाल फैला हुआ है। इन मिशनरीज पर आदिवासियों को लालच देकर ईसाई बनाने का एक पूरा कारोबार चलाने का आरोप भी है। जब ये खबर आई तो अघाड़ी सरकार ने एक शर्मनाक कारनामा किया। उन्होंने आरोपियों की लिस्ट जारी कर दी और ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि इसमें कोई मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं है। सेक्युलरिज्म की अफीम उद्धव ठाकरे की सरकार ने ऐसी चाटी है कि ये हिंदू साधुओं को पहले चोर बता रहे थे, फिर हत्यारी भीड़ को हिंदू साबित करने में जुट गए। क्या किसी शिवसेना के नेता को ये पता नहीं है कि पालघर के इलाके में क्रिप्टो क्रिश्चियन की भरमार है? ये वैसे क्रिश्चियन हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म तो अपना लिया, लेकिन ना नाम बदला और ना ही अपनी जाति बदली। ये ऐसे शातिर कन्वर्ट्स हैं जो धर्म बदलकर रिजर्वेशन का भी फायदा उठाना चाहते हैं और सरकारी योजनाओं से भी माल कमाना चाहते हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, एनसीपी और वामपंथी ऐसे संगठनों को बढ़ावा लगातार देते रहे हैं। लेकिन शिवसेना को क्या हुआ? बाला साहब ठाकरे की पार्टी को उद्धव ठाकरे ने क्या बना दिया है? इस इलाके के बच्चे बच्चे को पता है कि जिन लोगों ने साधुओं की बर्बरता से हत्या की वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है।
यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासियों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। इन लोगों को सनातन धर्म के और हिंदुत्व के खिलाफ भड़काया जाता है। यहाँ पहले भी धर्मांतरण और घर वापसी को लेकर हिंसा हो चुकी है। ये भी कहा गया कि भीमा कोरेगांव से जुड़े कुछ अर्बन नक्सल पालघर में रहते हैं, जिनमें पीटर डिमेलो उर्फ प्रदीप प्रभुदास और उनकी पत्नी शिराज बलसारा का नाम अहम है। शिराज बलसारा ने तो भीमा कोरेगांव में गिरफ्तारी की निंदा भी की थी और उन पर आरोपियों के मदद करने के भी इल्जाम लगे हैं। वहीं पीटर डिमेलो उर्फ प्रदीप प्रभुदास यूपीए सरकार में वन अधिकार कानून और मनरेगा की कमेटियों का हिस्सा थे। जिन मिशनरीज से ये जुड़े थे उन पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के आरोप हैं। ऐसे में साधुओं की लिंचिंग की टाइमिंग भी अर्बन नक्सल के इसमें शामिल होने का शक पैदा करती है। 14 अप्रैल को भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा एनआईए के सामने सरेंडर करते हैं और ठीक दो दिन बाद यानी 16 अप्रैल को पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो जाती है। लेकिन घटना के अगले ही दिन महाराष्ट्र सरकार इस मामले में किसी भी सांप्रदायिक एंगल को सिरे से खारिज कर देती है। आपको बता दूं कि पालघर जिस इलाके में है उसके विधायक वामपंथी पार्टी सीपीएम के हैं और वहां के ग्राम पंचायत के सदस्य जो एनसीपी के हैं वो तो घटना स्थल पर भी मौजूद थे। एनसीपी महाराष्ट्र सरकार के अघाड़ी में शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीआईडी को सौंपी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी कर जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई। सीआईडी ने 11,000 पेज की दो चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें कहा गया मॉब लिंचिंग की वजह धार्मिक नहीं थी, बच्चा चोरी की अफवाह के चलते ये घटना हुई, जिसमें सुनियोजित साजिश से साफ इनकार किया गया है। 128 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट इतनी कमजोर थी कि 25 लोगों को छोड़कर बाकी सब जमानत पर रिहा हो जाते हैं। घटना स्थल पर मौजूद पुलिस वालों को सिर्फ निलंबित किया गया था, लेकिन जांच के लिए सीबीआई मांग उठने पर हाल ही में यानी 31 अगस्त को ही महाराष्ट्र पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया है, जिनमें से 2 पुलिसकर्मियों को कंपल्सरी रिटायरमेंट और 1 पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये षड्यंत्र था, इसे महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने खारिज कर दिया है। लेकिन संत समाज और साधु सुशील गिरी महाराज की मां मंजरी देवी महाराष्ट्र सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई जांच की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की सुशांत केस में सीबीआई जांच ना कराने की जिद आप देख चुके हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ठीक इसी तरह पालघर मामले में भी महाराष्ट्र सरकार मामले की जांच सीबीआई को ना देने पर अड़ी हुई है। अगर सुशांत केस की तरह ही पालघर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी तो शायद महाराष्ट्र सरकार को डर है कि उनके कई राज खुल सकते हैं, जिसमें पालघर में वामपंथी साजिश के तहत साधुओं की हत्या से लेकर उस इलाके में धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदुत्व के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम का भी पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें वो मिशनरीज भी निशाने पर आएंगी जो सोनिया गांधी से जुड़ी हैं। कांग्रेस की मदद से सरकार बनाने वाली शिवसेना हरगिज नहीं चाहेगी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम पालघर मामले से जुड़े, क्योंकि इससे सरकार गिरने का खतरा है। इसलिए वो इस केस को किसी भी सूरत में सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करना चाहेगी। लेकिन साधु सुशील गिरी की मां और संत समाज के अलावा पहले भी कई पीआईएल दायर की गई हैं, जिनमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ठीक सुशांत सिंह केस की तरह इसे मीडिया ट्रायल बताती रही है और सीबीआई जांच से इनकार करती रही है। ये साफ है कि अगर पालघर मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई तो बेगुनाह साधुओं की लिंचिंग और उसमें शामिल लोगों का नाम कभी सामने नहीं आएगा। सवाल यह है कि क्या पुत्र मोह में, सत्ता मोह में उद्धव ठाकरे साधुओं के हत्यारों को बचाने में लगे हैं? क्या शिवसैनिक हिंदू साधुओं पर हुए इस अत्याचार पर चुप रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि जिस तरह सुशांत की मौत को लेकर पूरे देश के लोगों ने इंसाफ की मांग की, ठीक उसी तरह पालघर में मारे गए साधुओं के लिए भी न्याय की मांग की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।